हेलो दोस्तों, स्वाधीनता दिवस पर आपने बेशक संचालन करना हो या भाषण देना हो, आपके पास अच्छी शायरी और थॉट्स आपके पास होने चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सुप्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कुल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, जिसको फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं छोला निकलना चाहिए। तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का हट था कि हम पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे, आज़ादी लेकर रहेंगे। आज उन्हें याद करें। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, तो किसान के लिए आप शायरी बोलिए। ठिठुराती ठंड में कदम कदम पर बर्फ जमती है, घिसे पुराने कपड़ों से खुशबूदार मिट्टी छनती है। कैसी दौड़ भरी जिंदगी है तेरी है भूमि पुत्र, तेरा पसीना बहता है तो मेरी रोटी बनती है। तो एक बार जोरदार तालियां भारतीय किसान के लिए होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि सीमा पर जवान देश की रक्षा करता है, तो भारत का किसान देश का पेट भरता है, इसलिए किसान का हमेशा सम्मान करें। सुभाष चंद्र बोस के विचार बहुत ही प्रेरित कर देने वाले हैं, जिन्होंने कहा था यह खून ही है जो स्वतंत्रता की कीमत चुका सकता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस आवाज में आप बोलिए मंच पर। खून देते रहे जो चमन के लिए, हो गए जो हवन खुद हवन के लिए, उन शहीदों को मेरा नमन है जो जिए और मरे बस वतन के लिए। एक बार देश प्रेम में आपकी जोरदार तालियां हो जाए। सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रेरक और महान स्वतंत्रता सेनानी के विचारों को जीवन में अपनाएं। उन्होंने कहा था शाश्वत नियम को याद रखें, यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ देना होगा। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति आज सफलता चाहता है, लेकिन क्या हम उसकी कीमत दे सकते हैं? कहते कि समर्पण बिना प्यार नहीं मिलता, बैठे रहने से संसार नहीं चलता। कामयाबी के लिए एक कीमत देनी होगी दोस्तों, आवाज दिए बिना कभी द्वार नहीं खुलता। जोरदार आवाज के साथ अपने जज्बातों की कर्मों की आवाज पैदा होनी चाहिए तो मंजिल मिलती है। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है, यानी स्वतंत्रता छीनी जाती है। कर्मों का तूफान पैदा किए बिना सच्ची शाबाशी नहीं मिलती, भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से कभी आजादी नहीं मिलती। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के विचार थे, ऐसी बुलंद आवाज में आप बोलिए वहां पर। और महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने कहा था कि जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। हाँ, ये बात है नएपन की। हम समाज की रूढ़ियों, परंपराओं, संस्कारों को, पुरानी संस्कृति जो लकीर चल रही है, उसको छोड़कर कुछ नया करें। तजुर्बा शेर को खामोश होना सिखाता है, क्योंकि दहाड़ कर कभी शिकार नहीं होते। लकीर को छोड़ अपने अनूठेपन को पहचानो दोस्तों, अनूठे काम कभी नियमों के अनुसार नहीं होते। तो एक नएपन के साथ चलें, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई चेतना। पुराने संस्कारों को, पुराने लकीरों को हम छोड़ दें। विवेकानंद जी ने कहा था खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमजोर समझ के यूं नाकाम ना कर, जिल्लत भरी जिंदगी जीते जीते उम्र तमाम ना कर। अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे, आदमी होकर आदमियत को बदनाम ना कर। इसलिए अपनी आत्म योग्यता को पहचानें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप की ताकत को पहचानें। रियल में मनुष्य बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा करिश्मा है। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर, ऐसी बुलंद आवाज के साथ मंच पे बोलिए, रियली लोगों में जोश आ जाएगा। धन्यवाद। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको भाषण या संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।